लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हाय, मैं निखिल माथुर और ये मेरी कहानी। मैं और मेरी तन्हाई वापस अपने घर लौट रहे, समर्पण। कहानी खत्म, एंड ऑफ स्टोरी। अरे निखिल, तुम अकेले आए हो? मैं अकेला ही ठीक हूं। निखिल। हाय मॉम। मॉम, अंदर आ जाओ। लेकिन निखिल, तुमने तो कहा था कि वो भी तुम्हारे साथ आ रही है। गेम ओवर मॉम, भूल जाओ सर। लेकिन तुमने तो कहा था कि मॉम, प्लीज, नो मोर क्वेश्चंस, प्लीज। ओके ओके, कोई सवाल नहीं पूछूंगी, बस एक बात बोलूं मॉम। क्या? काश दुनिया की हर लड़की आप जैसी समझदार होती। It's good to be back home. मैं सामान रख रहा था। तुमसे बेहतर दोस्त हो ही नहीं सकता। After all, पहला प्यार ही तो प्यार होता रहता है। You, 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 बहुत शोर हो रहा है ना। वैसे मैंने अपनी जिंदगी काफी जोर शोर से बिताई। फ्लैशबैक टू सेंटर फॉरवर्ड। इधर 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 इधर। गो 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 गो। निकल निकल निकल। डोंट मिस इट। इधर 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 इधर। पास पास पास। ये क्या सर, आप अपने दुश्मन की तारीफ कर रहे हैं? अरे तो क्या हुआ भाई, जब तक दुश्मन ताकत पर ना हो तो जंग में मजा नहीं आता। बल्कि मैं तो सोच रहा हूँ इस बार छोटे मोटे पड़ोसियों को छोड़कर अमेरिका पे हमला बोल दो, क्या कहते हो? बेहतर है सर। वो That's a foul, यार। Come on, Nikhil, come on, 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 क्या देख रहे हो शुक्र भाई? अपना होने वाला जवाई है। बेहतर है सर। गोल तो नहीं हुआ, लेकिन उस दिन मैंने एक नई बात जरूर सीखी कि शोर वाली जगह में भी मोबाइल डिस्टर्ब कर सकता है। अरे आ रहा हूं। हेलो, हाय नेहा, ये हाँ आ रहा हूं। हाँ नहीं 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 नहीं, ओके ओके, नहीं मैं आ रहा हूं, तुम जाना नहीं, जाना नहीं, नेहा नेहा नेहा। Na 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 na
सॉरी 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 नेहा, वो मैच एक्स्ट्रा टाइम में चला गया था। लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं है। बाय। ओके ओके, हैंग ऑन हैंग ऑन, मेरी बात सुनो। हैव दी स्ट्रॉबेरीज, रियली नाइस। मुझे कुछ नहीं खाना, जस्ट गेट लॉस्ट। ओके। अरे ऑलरेडी लॉस्ट यार, मैच हार गया, गोली नहीं हुआ। फिर वही क्या? कुछ देर के लिए, कांट यू फॉरगेट अबाउट योर स्टूपिड फुटबॉल? कम ऑन नेहा, यू नो दैट्स नॉट पॉसिबल यार। आई मीन फुटबॉल मेरे लिए सिर्फ एक गेम नहीं है, मेरे कॉलेज की इज्जत का सवाल है। और वैसे भी जब से दादाजी ने कॉलेज बनवाया है, एक ही तो परंपरा है हमारी, फुटबॉल। आज भी हम लोग मैच जीतने वाले थे, लेकिन अगर तुम्हारा फोन नहीं आया। Enough. You know, इस फुटबॉल की वजह से तुम ऐसे हो, यहाँ से नहीं घुटने से सोचते हो। Now listen. आज तुम्हें हम दोनों में से एक को चुनना होगा, मैं या फुटबॉल। Of course, फुटबॉल। सॉरी, कम ऑन नेहा, दैट्स अ फाउल। मैं तुम दोनों में से एक को कैसे चुन सकता हूँ? You know, that's not possible. ठीक है, तुम मुझे छोड़ो। वैसे भी मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। गुड बाय नेहा। Actually, that's a good idea. वैसे तुम्हें तैयार होने में 4 घंटे तो लगते ही हैं। College ball 8 बजे, मैं तुम्हें 7:30 बजे पिकअप करने आऊंगा। All right, bye. I hate your college ball. I hate your football. I hate. अजीब लड़की, एक बार चिल्लाना शुरू करती है तो रेफरी की सीटी की तरह रुकती नहीं। पागल, लेकिन क्यूट पागल। निखिल, इतना हीरो बनने की कोई जरूरत नहीं है। नेहा का फोन है, वो कह रही है उसे कॉलेज बॉल में नहीं आना। लो बात करो। अच्छा, फिर तो रितु मीतु नीतु की निकल पड़ी, क्यों माँ? रितु मीतु नीतु, क्या समझता है अपने आप को? लेडी किलर, आई टेल यू डैड, आई किल हिम। अरे बेटा, अगर तुम्हें वहाँ नहीं जाना तो मत जाओ। यू गो एंड चेंज। हम दोनों बाप बेटी घर पे बैठकर गन्स ऑफ नेवरोन देखते हैं। बड़ी क्लासिक फिल्म है। तोप है तोप, तोप। I'm telling you, mom, अगर उसे तोप बनाकर बॉर्डर पे खड़ा कर देना तो दुश्मन अपने आप हथियार फेंक देंगे। गेम ओवर, टोटल सरेंडर। सरेंडर भी करके देखो बेटा, कभी कभी पीछे हटना एक स्टेप फॉरवर्ड होता है। प्लीज डैड, खुद दुनिया का सबसे बड़ा जिद्दी है वो, और मुझे जिद्दी कहता है। पहले पहले सारी लड़कियां जिद्दी होती है, लेकिन शादी के बाद वो और जिद्दी हो जाती है ना? शादी और निखिल से इम्पॉसिबल। कुछ इम्पॉसिबल नहीं है, वो जरूर ठीक हो जाएगी। शी लव्स यू बेटा। You know, mom, इस वक्त मुझे आपके चेहरे का एक्सप्रेशन देखकर क्या फील हो रहा है? क्या? कि अभी आप मुझसे कहेंगी, निखिल बेटा, मेरे लिए नेहा जैसी चांद सी बहू ले आओ। हाँ, अगर मैं चांद पे होती और निखिल वहाँ पे आखिरी लड़का होता, तब भी मैं उसके साथ शादी नहीं करती। प्रॉमिस? हाँ? फिर तो रीतु मीतु नीतु की निकल पड़ी। यू अच्छा लग रहा है ना? नेहा, I love समरपुर। ठीक है, तो मैं अंदर जाती हूँ। मैं क्यों कबाब में हड्डी बनूँ? No, no, no. Okay, नेहा, नेहा, okay, okay, okay. Sorry, sorry, sorry यार। Actually मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। जल्दी पूछो, इससे पहले कि मैं बर्फ बन जाऊँ। Do you love me? कब तक चाहिए जवाब? अभी? देखो मैं झूठ नहीं बोलूंगी, आखिर मैंने तुम्हारी स्ट्रॉबेरीज खाई हैं। व्हाट्स रॉन्ग विद यू निखिल? जो बात समरपुर का स्ट्रॉबेरी वाला जानता है, वो तुम नहीं जानते क्या? जानता हूं, लेकिन सिर्फ एक लास्ट टाइम कंफर्म करना चाहता हूं। लास्ट टाइम? कल तुम्हें फांसी लग रही है क्या? कल नहीं, लेकिन एक बार तुमसे शादी कर लूंगा तो जरूर लग जाएगी। शादी? गेट रियल नेक्स्ट। सोचो, तुम्हारा फुटबॉल, कॉलेज की जिम्मेदारियां, बीवी के लिए क्या टाइम होगा तुम्हारे पास? मैंने सब सोच लिया। कॉलेज मैनेजमेंट 4 घंटे, फुटबॉल 2 घंटे, बाकी बचे 18 घंटे वो सब तुम्हारे। जोक से पार्टनर, कौन है? शादी करोगे मुझसे? ओके, पर एक कंडीशन पर। एनीथिंग, एनीथिंग यू से। शादी के बाद हम समरपुर में नहीं रहेंगे। यू जोकिंग राइट? नेहा, तुम समरपुर को छोड़ना चाहती हो? तुम जानती हो मैं समरपुर को नहीं छोड़ सकता। आई मीन, ये मेरे दादाजी का कॉलेज है, मुझे तो संभालना है इसको। और वैसे भी ये वादियां, ये मौसम, नेहा दिस इज समरपुर, और हमारा सनसेट पॉइंट जहां पर कभी कभी 7 रेनबोज दिखते हैं, तुम ये सब छोड़ना चाहती हो? जिंदगी सिर्फ रेनबो के 7 रंग नहीं निखिल, उसमें 1000 रंग होते हैं। दुनिया बहुत बड़ी है निखिल, और मैं उसका हर रंग देखना चाहती हूँ। लेकिन नेहा, मॉम यहाँ रहती हैं, तुम्हारे डैड यहाँ रहते हैं,
I mean, this is Samarpur. इससे बेहतर जगह क्या हो सकती है? बस निखिल, frankly I've had enough of Samarpur. मैं यहाँ और नहीं रह सकती. नेहा, नेहा, मेरी बात. What's up, डाकू अंकल? क्या बेटा, तुम मुझे हमेशा डाकू अंकल बुलाते रहते हो? Well, it's quite simple actually. राम को रामू, राज को राजू तो डाकिएगा डाकू. बदमाश कहीं का. किसकी चिट्ठी है? नेहा की. अरे तो घर की बात है, लाई मैं दे देता हूँ. बाय डाकू अंकल. आशिकी आदमी को डाकिया भी बना देती है. बिना पूछे कभी किसी की चिट्ठी पढ़ोगे? बोलो पढ़ोगे? How dare you? तुमने मेरा लेटर पढ़ा कैसे? और अगर मैं ये लेटर नहीं पढ़ता तो मुझे तुम्हारे प्लान के बारे में पता कैसे चलता? क्या बुराई है एयर होस्टेस बनने में? बुराई एयर होस्टेस बनने में नहीं है, ये बात मुझसे छुपाने में है. मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी. सरप्राइज या शॉक? नया, ये हमारी शादी की बात निखिल चल रही है. समझने की कोशिश करो. इस 4 इंच के समरपुर में मेरा दम घुटता है. मैं आजाद होना चाहती हूँ, उड़ना चाहती हूँ, like a free bird. और मेरा क्या होगा? Obviously, तुम भी मेरे साथ चलो. क्या बनके? Excess baggage. I mean, नेहा तुम जानती हो मैं किसी भी हाल में समरपुर को नहीं छोड़ सकता. It's just... Come on, Nikhil. वो देखो निखिल, उन्हें तो हम चीटी जैसे लग रहे होंगे. मुझे तो वो प्लेन चीटी जैसा लग रहा है जिसके पर निकला है. निखिल, मैं परसों 4 बजे की ट्रेन से जा रही हूँ. इफ यू रियली लव मी, तुम भी साथ चलोगे. एंड इफ यू रियली लव मी, तुम यहाँ होगी. जस्ट यू, मी एंड आवर 7 रेनबोज. Well, 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 so you're leaving, eh? Hmm. I'm gonna miss you. Me too. I'll be all right. Tumhe lagta hai wo aayega? लगता है तुमसे ज्यादा अच्छी तरह तो मैं उसे जानता हूं. वो समरपुर छोड़कर नहीं जाएगा, यही उसकी दुनिया है बेटा. अच्छा बेटा, लुक आफ्टर योरसेल्फ. आई विल, आई विल डैड, आई मिस यू टू. All my fault. मैंने उसकी हर जिद पूरी की. मुझे क्या पता था वो एक दिन हम सबको इस तरह छोड़कर चली जाएगी. मैं भी कैसा पागल था. नेहा के साथ ये 4 साल बिताकर ये सोचने लगा कि मेरे सिवा वो कोई कदम नहीं उठाएगी.
I was so wrong. उसने कदम उठाया भी तो कहा सीधे आसमान पर। जोश में आके वो चली तो गई, लेकिन हो सकता है वो उल्टे पाव लौट आए। नहीं माँ, वो बहुत जिद्दी है, वो वापस नहीं आएगी। तो तुम क्या कम जिद्दी हो, मेरे बेटे हो। मुंबई जाओ और उसे मनाने की आखिरी कोशिश करो, और वो अगर वाकई तुमसे प्यार करती है तो तुम्हारे साथ जरूर आएगी। कम ऑन, कैन यू डू इट सन। कम ऑन, मुंबई जाओ और अपनी दुल्हन मेरी बहू को लेके आओ। गो। ठीक है मां, अब मैं मुंबई से तुम्हारी बहू को वापस लेकर ही आऊंगा। अमिताभ बच्चन के बंगले की चाबी। ये मेरे जतिन अंकल के खाली फ्लैट की डुप्लीकेट चाबी है। जतिन अंकल 3 महीने से लंदन में कोरियो की पेंटिंग बनाने में बिजी है। सुन, जब तक वो वहाँ नहीं आते तब तक तुम आयश कर, और जो पैसे बचेंगे उसकी हमें ट्रीट देना। ओके? ओके। और ये उनका पता। यार तुम लोग मेरे लिए सब क्यों कर रहे हो? आई मीन मैं 2 दिन में वापस आ रहा हूँ यार। निखिल? हाँ। तू मुंबई जा रहा है दोस्त? वो किसी ने सच ही कहा है, मौत और मुंबई से कोई लौट के नहीं आता। हे गाइस, मेरा बैग। सब कुछ है, चलो। हाँ, सब है, सब है। अरे आप लोग कहाँ जा रहे हैं? अरे वो क्या रहा है यार? ओ हट परे। अरे कितने? मैं आंटी सॉरी, आंटी ओ। I'm sorry, मैं उठ रहा हूँ मैडम। क्या? अरे देखिए, एक सेकंड, मैं उठ रहा हूँ। I'm really sorry। I'm on। ओके ओके ओके, मैं उठ रहा हूँ मैडम। अरे गलती हम मुंबई वालों की है, घुसने देते किसी भी अंजू पंजू को। आ जाते हो तुम लोग ट्रेन लेकर, कोई जगह बची है यहाँ रहने के लिए? कहाँ रहोगे तुम हमारे सर पर? एक्सक्यूज मी, मैं आपसे इतने प्यार से बात कर रहा हूँ और आप सेकंड क्लास कंपार्टमेंट के थर्ड क्लास पैसेंजर की तरह बात कर रहे हैं, जो हाथ जोड़कर ट्रेन में घुस तो जाते हैं लेकिन अगले स्टेशन पर दूसरों को अंदर आने से रोकने लगते हैं। लुक, डोंट एक्ट स्मार्ट, ओके? ये मुंबई है क्या? एक फोन घुमाओगी ना, कहाँ गायब हो जाओगे पता नहीं चलेगा। अरे यू इडियट,